हेलो दोस्तों, वेलकम टू ईशा माई स्टूडियो। और आज हम आए हैं एक ऐसे डिवाइस के साथ में, आप देख सकते हैं इसका नाम है जियोन क्रेन S2। और ये बहुत ही ज़बरदस्त डिवाइस है। ये जियोन क्रेन 3 के बाद लॉन्च हुआ है और इसको हम लोग इंस्टॉल करेंगे। इसके ऊपर ये कैमरा इंस्टॉल करेंगे 6400। और मैं बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा कि कैसे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इस डिवाइस को वेडिंग के लिए या प्री वेडिंग के लिए, प्री वेडिंग शूट के लिए बहुत बहुत अच्छा ऑप्शन है। और इससे आप किसी भी स्टिल कैमरे को, जिसमें वीडियो शूट कर सकते हैं आप, और इसको एक सिनेमैटिक कैमरा बना सकते हैं। आइए देखते हैं इसको कैसे इंस्टॉल करना है। नामदेव जी, दिख रहा है? रिकॉर्डिंग हो रही है? ये देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, ये अलग अलग पार्ट हैं इसके। हम लोगों ने इसको पहले से जोड़ लिया था। ये इसका ट्राइपॉड है, ये ट्राइपॉड होता है ये ऐसे करके रखने के लिए। इसको बाद में लगाते हैं, ये चूंकि हम लोगों ने पहले से लगा लिया था टाइम बचाने के लिए। 3 बैटरीज होती हैं, ये इसके साथ में आती हैं 3ों बैटरी, ये हमने इसमें लगा दी है। एक्सटर्नल चार्ज करना पड़ता है इसको। इसके बाद हमने इसको लगा दिया है, क्योंकि इसको खड़ा भी करना है। इसका ट्राइपॉड ये भी साथ में आता है, ये हमने लगा दिया इसको। सबसे पहला काम ये करना है, इस डिवाइस को से रखने के बाद, ये अभी लॉक पोजीशन में है। अब हम इसको ऑन नहीं करेंगे अभी। सबसे पहले एक एक करके ये लॉक दिए हुए हैं, देख सकते हैं आप। एक लॉक ये दिया हुआ है, एक लॉक ये दिया हुआ है, एक लॉक ये दिया हुआ है। तीनों के जो है लॉक खोल देंगे अपन। तीनों लॉक हमने खोल दिए हैं। ये इस पोजीशन में ले लेना है इसको, और इसको ऐसे लॉक कर देना है ताकि यहाँ पे हम लोग कैमरा हैंग कर सकें। अभी हम इसको लॉक कर देते हैं। इसका लॉक यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो ऐसे ऐसे हो रहा है, इसका लॉक नीचे दिया हुआ है, ये लॉक हो गया। इसको हम लोगों ने पहले ही बैलेंस कर लिया है। बैलेंस करने के लिए इसको आप ऊपर नीचे इसे कर सकते हैं, यहाँ से इसको बैलेंस कर सकते हैं। इसको बैलेंस करने के लिए, इसको आगे पीछे करने के लिए ये बैलेंस दिया हुआ है, यहाँ से आप इसको ये बैलेंस कर सकते हैं। ये देखना है इसका बैलेंस सही हो, इधर उधर ना जाए। लेकिन उससे पहले अप्रोक्स बैलेंस हम लोगों ने इसका देख लिया कि ये बैलेंस सही है, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले कैमरा सेट करेंगे। सोनी का 6400 कैमरा है, उसमें हमने 50 mm का लेंस जो है, 50 mm का लेंस हमने पहले से लगा लिया है। कैमरा ऑफ रखना है। ये सेटिंग देख रहे हैं जहाँ पे ये जायन लिखा हुआ है, दूसरे साइड में एरो है, एरो की तरफ अपन इसको रखेंगे ताकि कैमरा सही सेट हो सके। बस इसको हम लोग यहाँ पे करके, और इसके साथ में एलंकी प्रोवाइडेड है, इस एलंकी से हम इसको टाइट करेंगे। स्टॉप भी कर सकते हैं। इसको टाइट कर देंगे यहाँ पे। ये होल दिख रहा है, उसमें एक इसका नीचे वाला स्क्रू है जो कैमरे में टच होता है। अब ज़ायून में आएंगे अपन। ज़ायून में ये हम लोगों ने इसका लॉक खोला हुआ है, कुछ नहीं करना है। एरो दिख रहा है, ये इस एरो से इस एरो को मैच करना है।
और यहाँ से इसको ऐसे डाल देना है। अब सबसे पहला काम जो होता है अपना कि कैमरे को बैलेंस करना है। अभी देख रहे हैं ये वेट है तो इधर लटक रहा है, इसको अपन आगे करेंगे। इसको एकदम तराजू की तरह कर देना है। ये देखिए एकदम बैलेंस हो गया, क्योंकि अगर ये बैलेंस नहीं होगा तो बैलेंस करने के लिए ये चलेगा, इसकी मोटर चलेगी और उससे क्या होगा, इसकी जो है बैटरी जो है ड्रेन होगी। इसको हम लोगों ने, ये देखिए बैलेंस हो गया, इसको हम लॉक कर देंगे। इसका लॉक भी खोलेंगे अपन। ये देखिए ये बैलेंस नहीं है तो इसको बैलेंस करेंगे, इसको खोलेंगे। ये यहाँ पे जैसे ये लटक रहा है तो इसको हम लोग बैलेंस करेंगे। इसको बैलेंस करने के लिए ज़रूरी है, ये देखिए ये बैलेंस हो रहा है। ये देखिए थोड़ा इधर झुक रहा है, मुझे जो दिख रहा है कि इस तरफ झुक रहा है, तो हम इसको थोड़ा सा एकदम बैलेंस करेंगे। जैसे तराजू होता है एकदम वैसे कर देना है हमें। जितना बढ़िया इसको बैलेंस बना के रखेंगे उतना ही बैटरी बैकअप बहुत अच्छा मिलेगा और हैंग नहीं होगा जब आप इसको मूव करेंगे चलाएंगे। सही है, इसको हमने टाइट कर दिया, ये भी टाइट हो गया, ठीक है। और इसका ये बैलेंस भी देख लेते हैं अपन, ये बैलेंस भी सही है। इसका ये बैलेंस भी देख लेंगे कि ये बैलेंस कहीं ये वेट ज़्यादा है तो इधर नहीं जा रहा है या उधर नहीं जा रहा है, तो उसको ऐसे ऐसे करके देख लेंगे। मेरे ख्याल से ये बैलेंस सही है। अब ये पूरी तरह से बैलेंस है। सारे लॉक खोल दिए हैं मेरे ख्याल से, ये भी लॉक खुल गया है, ये लॉक भी खुल गया है, ये लॉक भी खुला हुआ है। साफ देख लें चालू करने से पहले कि सारे लॉक खोल दिए हैं आपने। उसके बाद इस फंक्शन में आप आइए, ये आप देख सकते हैं इसको ऑन करना है। नामदेव जी थोड़ा सा कैमरा आप दूर करेंगे तो पूरा दिखना चाहिए। इसको अपन लॉन्ग प्रेस करेंगे, तो ये ऑटोमेटिक बैलेंस पोजीशन में आ जाएगा। कैमरा ऑन कर दीजिए। एक चीज़ अपन को और करना था, बाकी हम सारा मूवमेंट तो इससे कर लेंगे। कैमरे को कनेक्ट करेंगे अपन जयंत से, यही है, इसको ले लेंगे यहाँ से तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, फंसेगा नहीं कहीं। और ये यहाँ पर इस केबल को यहाँ पे लगा देंगे। अब सारे फंक्शन हम लोग जो है कैमरे का यहाँ से कर पाएंगे। ये देखिए पिक्चर लेने का काम है यहाँ से हो जाएगा, रिकॉर्डिंग जो है यहाँ से चालू हो जाएगी, यहीं से बंद हो जाएगी रिकॉर्डिंग। बढ़िया बैलेंस है, थ्री सिक्सटी राउंड हो जाएगा। डाउन अप और ये टिल्ट भी हो जाएगा। टिल्ट करना है उसके लिए एक मोड है,
उसको आपको वी पे करना होगा। वी मोड पे करके इसको टिल्ट कर सकते हैं आप। 15 स्टिक है। इसको लेने के बाद आपको एकदम ऐसा फील होता है कि कोई बहुत ही अच्छा डिवाइस आपके हाथ में है। इसकी क्वालिटी जो है इतनी प्रीमियम है, इतना बढ़िया है, और ये जब ये काम करता है एकदम लगता है जैसे कोई मैजिक है। ऑटो फोकस इससे कर सकते हैं आप, और सारे फंक्शन आप यहाँ से जो है सारे फंक्शन यहाँ से आप कैमरे के जो भी फंक्शन है सारे यहाँ से आप चला सकते हैं, रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, स्टिल फोटो खींच सकते हैं। जो भी कैमरे के अंदर बटन है, कैमरे को टच करने की आपको ज़रूरत नहीं है। सब खड़ा कर देते हैं। थोड़ा वेट है इसका, लेकिन वेट है तो इसका काम भी बहुत शानदार है। इसको यूज़ करने के बाद में लगता है कि हाँ कुछ कोई डिवाइस है। और इसमें A7R S सोनी के कैमरे के अलावा निकॉन के कैमरे भी अपन इंस्टॉल कर सकते हैं। थोड़ा सा कैमरे का वेट होना चाहिए, थोड़ा सा अगर कैमरे का वेट अच्छा होता है तो ये डिवाइस बहुत ही अच्छा करता है, हैंग नहीं होता है जैसे कि आप देख सकते हैं। ये शानदार आप देख सकते हैं। कि आपको जो है जियोन क्रेन S2 कैसे इस्तेमाल करना है और इसके ऊपर कैमरा कैसे हैंग करना है। कोई भी कैमरा हैंग कर सकते हैं, और फिक्स लेंस भी इस पर हैंग हो जाते हैं और ये बहुत अच्छे चलते हैं। छोटे कैमरे भी हैंग हो जाते हैं, थोड़ा सा बैटरी बैकअप आपको कम मिलेगा क्योंकि उसको बैलेंस करने में थोड़ा वेट कम होता है, तो बैलेंस करने में इसको ये बैटरी ज़्यादा लेगा। वेटेड कैमरा DSLR जब आप इंस्टॉल करेंगे तो बहुत ही अच्छा चलेगा, और उसका जो है सिनेमैटिक आप उस कैमरे को बना करके एक वीडियो शूट कर सकते हैं बढ़िया। प्री वेडिंग में इसका ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है इस समय। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप हमें बताएं। नामदेव जी छायाकार हैं, आज के फोटोग्राफ़र हैं, तो उनकी शूटिंग भी बताइए वो कैसे शूट कर रहे हैं। और आपको अगर ये क्रेन लेना हो तो बहुत ही अच्छे प्राइस पर नामदेव जी से आप संपर्क कर सकते हैं, वो ये प्रोवाइड करा देंगे, उनके पास रहते भी हैं स्टॉक में। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को ही बताएं। जैसा कि दोस्तों जायंट क्रेन S2 के बारे में हमने बताया, तो आप कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें, और हमें बताएं कि हमें और किस डिवाइस के ऊपर ये प्रोग्राम बनाना चाहिए। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और कोरोना में सेफ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच, बाय बाय।